बंद कल कारखाने पुनः चालू स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इस स्थिति के लिए आज मानसिक रूप से हमें तैयार होने की आवश्यकता है। 2017 में जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब हमारे सामने चैलेंज था क्या होगा उत्तर प्रदेश का, कैसे चलाएंगे, क्योंकि तब प्रदेश के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के जवानों, किसानों, महिलाओं, इन सब की सहभागिता के साथ, टीम वर्क के साथ जो कार्य किया, आज उसका परिणाम आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सदैव के लिए समाप्त हो गई है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मासूम असमय दम नहीं तोड़ता। गोरखपुर में एम्स स्थापित हो गया है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पहला सत्र उसमें भी एडमिशन का इस वर्ष प्रारंभ हुआ है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज पहले ही प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, यानी ये सभी जनपदों में आज एक एक मेडिकल कॉलेज है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और वह ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी आधा बीमार हुआ करता था। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर एम्स के साथ मुकाबला कर रहा है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कौन अच्छी सेवा दे सकता है, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। पिछले 7 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश में केवल 18 मेडिकल कॉलेज थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 64 जनपद ऐसे हैं जहां एक एक मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और अभी आने वाले समय में हम लोग इस संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जो 6-7 जनपद बचे रहेंगे, इन जनपदों के लिए भी एक नई पॉलिसी लेकर के वहां पर भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार कदम बढ़ाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के क्रम को उत्तर प्रदेश पूरा करेगा, हर व्यक्ति को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगा। आज ये कोई संकट नहीं है। पहले होता था कोई व्यक्ति परिवार में बीमार हो गया तो व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था कि उपचार के लिए कहां मैं खर्च करूंगा पैसा। आज मोदी जी ने आपको, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंदर दिया है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने 5,14,00,000 से अधिक लोगों को अब तक एक एक गोल्डन कार्ड जारी कर दिया कि कहीं भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए और आप अपना वहां पर उपचार कराइए, आपको केवल जाना अपना कार्ड सौंप देना है, बाकी उपचार हॉस्पिटल अपने आप कराएगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 64 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। जिस प्रदेश में केवल कभी 12 और 18 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 64 जनपदों में 85 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर, अकेले इस वर्ष 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी क्षेत्र में, पीपीपी मोड के 3 और प्राइवेट का 1, 17 मेडिकल कॉलेज अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगनी हुई है, एम पीजी की सीट से भी पहले की तुलना में दुगनी हुई है। यानी आने वाले समय में हमें मेडिकल शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भी योग्य चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी, बल्कि हर गांव में बेहतरीन सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में भी देने में हमें आसानी होगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, हर जनपद में सीटी स्कैन,
आदि की सुविधा हम दे सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। नर्सिंग की पढ़ाई भी बेटियां अपने जनपद में ले सके, इसकी तैयारी भी हो रही, इसके लिए भी नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, पैरामेडिकल के कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह कार्य केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर जब यहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस वर्ष हम लोगों ने 3 पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ाए हैं और 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया के साथ उन्हें जोड़ा है। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये आमूलचूल परिवर्तन का एक उदाहरण है। उन दूर दराज के जनपदों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, जहां पहले कभी नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आज तो उत्तर प्रदेश के पास अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल के सभी कॉलेजेस को अपने साथ एप्लीकेशन देता है। आयुष विश्वविद्यालय है, जो आयुष से जुड़े हुए, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इनसे जुड़े हुए कॉलेजेस को अपने एप्लीकेशन देने के साथ ही उत्तम शिक्षा इस फील्ड की दी जा सके, आयुष विभाग की दी जा सके, इसके लिए भी वह कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं, राज्य सरकार के द्वारा तेजी के साथ नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे कार्य करते हुए बढ़ करके उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित न कर रहा हो। यह लगातार प्रयास करने का परिणाम है। आज हमारा यह प्रयास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मेडिकल कॉलेज जहां पर स्थापित है, यह केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहां पे उत्तम आरोग्यता की सेवा तो प्रदान कर ही रहा है, देश के लिए अच्छे डॉक्टर भी दे रहा है, देने का कार्य करेगा, लेकिन साथ साथ हजारों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना का भी एक माध्यम बना है। ये जो निवेश है, ये विकास इसी आधार पर होने जा रहा है कि विकास का कार्य इस आधार पर होगा कि विकास के साथ साथ आरोग्यता के लिए, रोजगार के लिए नए अवसरों को हम आगे बढ़ा सकें। यहां पर अभी संस्थापक केएमसी मेडिकल कॉलेज इस बात को कह रहे थे, कनेक्टिविटी के लिए हमारा प्रयास होगा कि जो मेडिकल कॉलेजेज या जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था है, वहां पर हम अच्छी कनेक्टिविटी दें, आवागमन आसान हो सके, और इसके लिए सरकार इसमें पूरा मदद करेगी। इसके साथ ही पीपीपी मोड पर ये मेडिकल कॉलेज चला है, अच्छा है। आपके पास अच्छे यहाँ पे फैकल्टी आपने तैनात करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, अच्छे चिकित्सक यहाँ पे कोरोना कालखंड में भी काम कर रहे थे और आज भी उनकी सेवाएं निरंतर यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। मुझे बताया गया यहाँ पे ओपीडी अच्छी है और आईपीडी भी केएमसी में अच्छी चल रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत में हम लोगों ने जो एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आप आवेदन करें, हम आयुष्मान भारत की सुविधा के साथ इस प्रकार के हॉस्पिटल को जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे अधिक से अधिक आम जनमानस इन सेवाओं का लाभ ले सकें। जो पेशेंट अगर ट्रामा की फैसिलिटी कहीं उपलब्ध होती है तो वहां पे पेशेंट को भेजने में, वहां पर उन्हें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब तो इस फील्ड में बहुत सारे रिफॉर्म होने जा रहे हैं। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी जो सुविधा आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्राप्त हो रही है, जन औषधि के माध्यम से सस्ती दवा उपलब्ध करवाने का जो कार्य हो रहा है,
अगर हम इन सब का बेहतर उपयोग कर सकेंगे तो इसका लाभ लंबे समय तक आम नागरिक ले पाएगा और आम जनता का विश्वास जब भी किसी संस्थान पर बनेगा तो वह संस्थान एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं आम जनमानस को भी पहुंचाता रहेगा, विकास में इसी प्रकार का सहभागी बनता रहेगा। मैं आज एक बार फिर से केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पर, आज जब इसके मुख्य प्रशासनिक भवन और इसकी एकेडमिक बिल्डिंग का आज यहां पर उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर शांति फाउंडेशन और केएमसी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी को, श्री के सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई दूंगा। आप सभी महाराजगंज वासियों को धनवंतरी जयंती और दीपावली के पहले इतना शानदार उपहार मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और विकास की तमाम योजनाओं का प्राप्त हो रहा है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि शांति फाउंडेशन और केएमसी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इस जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद।